सो भैया, मिर्जापुर के सीजन 2 ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब कि अभी से 3 साल पहले इसका सीजन 2 हम लोग को देखने को मिला था। एंड आज अभी करंट टाइम में इन लोग से सीजन 3 का एक प्रोमो तक नहीं रिलीज करा गया है। अब देखो, ऑडियंस तो भाई कह कह के मजबूर हो गई कि भैया सीजन 3 को कब रिलीज करोगे या फिर कुछ हिंट दे दो। तारीख पर तारीख मिलती रही है। हालांकि मिर्जापुर के सीजन 2 ने जब ये 3 साल कंप्लीट करे हैं तो प्राइम वीडियो के साथ ही इनके कुछ कास्ट मेंबर्स ने सीजन 3 को लेकर कुछ अच्छी अपडेट्स अपनी तरफ से दी हैं, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आप लोग के भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, मिर्जापुर का सीजन 3 जो है वो बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया है। बनता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। प्लस देखो, सीजन 3 का जो शूटिंग का वक्त था वो पिछले साल दिसंबर में खत्म हुआ था। एंड 1 साल के अंदर बड़े से बड़ा जो लाइक वेब सीरीज होता है वो हो जाता है। यहाँ पे हॉलीवुड की वेब सीरीज 2 साल का टाइम लेती है अपना अगला सीजन लाने के लिए, लेकिन मिर्जापुर वालों को पता नहीं कौन सी चुल मची हुई है, 3 साल के बाद भी अभी इनसे एक सीजन तैयार नहीं हो पा रहा है। करंट अपडेट्स की बात करें तो सीजन 3 के ऊपर आप लोग को इस साल इसी तरीके से छोटी मोटी जो अपडेट्स हैं प्राइम वीडियो एंड के कास्ट मेंबर्स की तरफ से देखने को मिलती रहेंगी। बट इस साल अब सीजन 3 नहीं आएगा, एंड ये चीज मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताई थी। लेकिन नई चीज अभी करंटली यहाँ पे ये पता चली है कि इस साल के एंड तक आप लोग को मे बी एक छोटा मोटा जो ग्लिम्स है वो सीजन 3 का देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये रूमर्स हैं, तो अगर ये ट्रू हो जाता है देन वो फैंस लोग के लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इस साल मेजर कुछ आप लोग को प्राइम वीडियो की तरफ से मिर्जापुर के ऊपर देखने को मिलेगा। जो भी इसका असली खेल चालू होने वाला है वो बताया जा रहा है कि आप लोग को 2024 के स्टार्टिंग के क्वार्टर से देखने को मिलने वाला है। अभी जब मिर्जापुर के लाइक सीजन 2 ने 3 साल कंप्लीट करे, तो उन्होंने अपने पिछले सीजन के कुछ बिहाइंड द सीन पिक्चर्स को भी शेयर करा था, लेकिन इसमें सबसे सही पोस्ट मेरे को रसिका दुग्गल की लगी थी, जहां पर उन्होंने एक रील के थ्रू ऑडियंस को ऐसा टीज करा कि बहुत जल्दी ही इसकी जो रिलीज की आप लोग को अपडेट है वो शायद सुनने को मिले। हालांकि उन्होंने ये चीज तो अभी कॉमेडी वे में लाइक अपने पोस्ट के अंदर डाली हुई थी, लेकिन जब कास्ट मेंबर्स अपनी तरफ से कुछ चीजें टीज करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट मींस कि यस, वहां से आप लोग समझ लो कि इसका धीरे धीरे जो प्रमोशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड इस पोस्ट के अंदर अली फजल ने भी एक फनी कमेंट करा था, जिससे कि चीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ भैया, कास्ट मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड अगर सब कुछ सही रहा देन आप लोग को बहुत जल्द इसके सीजन 3 के ऊपर कुछ ऑफिशियल भी सुनने को मिलेगा। अभी करंट टाइम में अगर इसकी रिलीज की बात करें, तो मैंने आप लोग को बोला था कि शो आप लोग को 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो रिसेंटली कुछ रूमर्स प्लस अपडेट्स ऐसी आ रही है कि आप लोग को शायद होली के टाइम तक इसका जो लाइक सीजन 3 है वो देखने को मिले। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर होली तक मेकर्स इस शो को रिलीज करने का लाइक सोच रहे हैं देन वो थोड़ा लंबा डिले हो जाएगा। अगर वो होली से पहले या फिर मार्च के स्टार्टिंग में इस शो को रिलीज करते हैं देन वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। लेकिन यस, अभी करंट टाइम में आप लोग ये चीज तो कंफर्म कर लो कि आप लोग को शो इस साल देखने को नहीं मिलेगा, ये शो आप लोग को 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल पाएगा। अब इन्होंने नेक्स्ट ईयर तो इस शो की रिलीज को ऑलमोस्ट पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है पोस्ट प्रोडक्शन में वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर इतना टाइम लिया है तो सीजन 3 अच्छा होना चाहिए। पहले मेरे को लगा था कि साथ जब मैं मिर्जापुर का वीडियो बनाता हूं तो कुछ मैक्सिम ऑडियंस है जो अपनी तरफ से भाई अपना थोड़ा गुस्सा निकालते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन जब इनके कास्ट मेंबर्स एंड प्राइम वीडियो ने इस शो के 3 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, तब जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन देखा तब मेरे को लगा कि चलो भैया, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि उधर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पूरे के पूरे मिर्जापुर के फैन सिर्फ सीजन 3 की डिमांड करते हुए नजर आते हैं। एंड कुछ लोग तो अपना बहुत तगड़ा गुस्सा भी निकाल रहे हैं। सो आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भाई जो मेकर्स हैं वो अपने ऑडियंस की बात सुनते हैं एंड आप लोग को जल्दी इसके ऊपर कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जो भी हमको अच्छा या बुरा पता चलेगा मैं आप लोग को तो इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।